गाइज, सो वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग ग्रेट। लोकेशन आप लोग देख रहे हो, कितनी बेहतरीन लोकेशन है। अगर मैं आपको नज़ारे दिखा दूँ कि मेरे सामने है क्या, तो इट्स अ सनसेट, राइट? तो सनसेट हो रहा है, शाम हो रही है यहाँ पे। एक्चुअली इट्स अ रेस कोर्ट। ये सारा नज़ारा आप देखें। ओके गाइज, तो आज हम लोग बात करते हैं कि भाई कनाडा में आए हुए बहुत टाइम हो गया मुझे। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं मेरे। तो इसमें एजुकेशन जर्नी है, इसमें मेरा वर्किंग का है। अब वर्किंग का तो मैं आप लोगों को ये बता सकता हूँ कि काफ़ी लोगों का ये सवाल था कि शुजी भाई आपने, ये एक मेरी प्राइम वीडियो है जो मैंने सेलेक्ट की थी कि यार ये मुझे सबको बताना है। बहुत सारे लोग का कंसर्न्स था कि यार UCW में जो है वो एडमिशन्स हो जाते हैं, फिर जॉब नहीं मिलती, रेपुटेशन ख़राब है। मे बी यस, एक हद तक ठीक भी है, लेकिन मुझे जॉब जो है वो एक हद तक मेरे जो इंटरव्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा हुए। तो अगर मैं ये बोलूँ कि यार मेरे इंटरव्यूज़ कितने हुए, तो आपने वीडियो के टाइटल में ये चीज़ देखी होगी कि ऑलमोस्ट ये टेंटेटिव अमाउंट नहीं है, एक फाइनल वो नंबर्स नहीं है, लेकिन ये टेंटेटिव है कि अराउंड 30-40 इंटरव्यूज़ मेरे हुए हैं। एज़ यू गाइज ऑलरेडी नो कि मैं ग्रेजुएट हो गया हूँ, ग्रेजुएट हुआ हूँ इन कैनेडा। इट्स ऑलमोस्ट यू कैन से 40 इंटरव्यूज़ इन कैनेडा फ्रॉम UCW। सो मेरा जो जर्नी था वो बहुत अच्छा गुजरा, सब कुछ अच्छा गुजरा, सारी चीज़ें अच्छी गुजरी। बट मेरा मेन कंसर्न ये, सबका यही कंसर्न होता है इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स का कि यार जॉब हो जाए मेरी। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आपकी जॉब हो जाए। तो गाइज जब आप इंटरव्यूज़ देते हो तो देर आर मेनी थिंग्स टू फॉलो, राइट? और अपकमिंग वीडियोज़ में मैं डालता रहूँगा कि यार मेरी क्या क्या, काफ़ी मैंने वीडियोज़ डाली भी हैं। आप यहाँ पर आइकन आ रहा होगा तो उसमें चेक कर सकते हो। तो मैं यहाँ पर जो आज शेयर कर रहा हूँ ना, वो ये शेयर कर रहा हूँ कि 40 इंटरव्यूज़ इन कैनेडा फुल टाइम जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई किया। तो इट्स ऑलमोस्ट 40 इंटरव्यूज़ इन कैनेडा बीइंग अ UCW ग्रेजुएट, आई वुड से एन MBA ग्रेजुएट इन कैनेडा। सो राइट नाउ आई एम वर्किंग इन एन अकाउंटिंग फर्म, अकाउंटिंग फर्म में मैं काम कर रहा हूँ एज एन अकाउंटेंट, आई वुड से अ फाइनेंशियल ऑडिटर। बट मेरा जो मेन चीज़ थी, मेरा मेन गोल था वो यही था कि यार मुझे या तो स्टाफ अकाउंटेंट बनना है या तो मुझे फाइनेंशियल एनालिस्ट बनना है। बट फॉर नाउ मेरे पास 2-3 जॉब अपॉर्चुनिटीज़ थी, उसमें से मैंने एक ग्रैब कर ली। इट वाज अ गुड रोल, इट वाज अ गुड पैकेज, तो एक अच्छा सा ऑप्शन था। बट मेरी जो ये वाली वीडियो है उसमें मेरा मेन डिस्कशन यही है कि यार लोगों को क्या क्या करना पड़ता है इंटरव्यूज़ के लिए। पहले 2-3 चीज़ों में अगर मैं बात करूँ कि जो मेरे को 40 इंटरव्यूज़ मैंने क्रैक करें, 40 इंटरव्यूज़ इन कैनेडा, आउट से लोग जो इमिग्रेंट्स आते हैं, सब कुछ आते हैं, उनको बहुत मुश्किल होती है यहाँ पे। सो 40 इंटरव्यूज़ ऑफ अ फुल टाइम जॉब इन कैनेडा इज़ नॉट एन ईजी टास्क टू डू, राइट? अब बहुत सारे लोग ये बोलेंगे कि यार आप तो यहाँ के ग्रेजुएट हो तो ईजीली आपने क्रैक कर लिया। ऐसा नहीं है। मेरे साथ बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आउट से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट हैं बट उनको जॉब्स नहीं मिल रही। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ग्रेजुएट्स हैं बट उनसे कुछ हो नहीं रहा है, वो लोग इंटरव्यू तक भी नहीं पहुँच पाते। तो यार ये एक सोर्स ऑफ कंसर्न है। अगर मैं बोलूँ नहीं यार आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट हो तो ये रीज़न है, ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट होते ये रीज़न है। द रीज़न इज़ कि आप लोगों ने अप्लाई नहीं किया राइट टाइम पे, राइट चीज़ पे, एंड देर आर सम राइट थिंग्स टू फॉलो। यू नीड टू हैव अ राइट रेज्यूमे, यू नीड टू हैव अ राइट कवर लेटर, यू नीड टू हैव अ राइट प्लेटफॉर्म। अब मेरे पास अच्छा, अब आप लोग बहुत सारे ये बोलोगे कि यार शजी भाई आपका तो पहले से वर्किंग एक्सपीरियंस था उसके बेसिस पे हो गया। आई वोंट से कि ऐसा कोई रीज़न है कि यार मेरा पहले से वर्क एक्सपीरियंस था तो मेरा उस बेसिस पे हो गया। हाँ, उसने जब मैंने इंटरव्यूज दिए तो उसने मेरे एक हद तक मुझे कंट्रीब्यूट किया। बट आई वुड से कि क्रैकिंग 40 इंटरव्यूज़ इन कैनेडा बीइंग अ ग्रेजुएट, आई एम अ मास्टर्स MBA ग्रेजुएट, सो आई वुड से आई एम मेरी जो यूनिवर्सिटी वो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी नहीं है। इट्स नॉट अ बिग यूनिवर्सिटी, इट्स अ स्मॉल यूनिवर्सिटी, आई वुड से इट्स अ स्मॉल कैंपस, आई वुड से। बट मेरे 2015 में रिजेक्शन के बाद भी कनाडा आ जाना और फिर इंटरव्यूज इतने सारे क्रैक कर लेना, तो आई डोंट थिंक के इट्स अ मिथ, इट्स अ बिग इट्स अ लक। यार लक भी काम करती है बट थोड़ा सा एफर्ट होता है यार, मेहनत करी यार बड़ी। अच्छा एक और चीज़, एक अच्छी वाली चीज़ बता दूँ आप लोगों को पहली, कि एक पॉइंट भी बता दूँ, एडवाइस भी बता दूँ कि ग्रेजुएट होने से पहले मेरे पास जॉब ऑफर थी, ग्रेजुएट होने से पहले मेरे पास जॉब ऑफर थी।
तो मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही चीज़ समझाई है कि यार जॉब ग्रेजुएट होने से पहले जो एडवाइस है उसमें ये है कि भाई ग्रेजुएट होने से पहले आप एटलीस्ट अपनी जॉब्स के लिए अप्लाई करना शुरू कर दो, आप लोग डिसाइड कर लो। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है उनको पता ही नहीं होता कि करना क्या है, डिसाइड क्या करना है, अप्लाई कहाँ करना है, उनको श्योर ही नहीं होता। जब आप श्योर नहीं हो तो फिर आप आगे कैसे बढ़ोगे। तो बहुत बड़ा डिफरेंस है जो आप लोगों को फॉलो करना है कि यार मैं क्या करना चाहता हूँ, मुझे क्या पसंद है, मैं क्या करूँगा क्या नहीं करूँगा। तो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि आप लोग राइट जॉब टास्क जो है वो राइट फॉलो करो। और आप लोगों के पास ये इंपॉर्टेंट चीज़ होनी चाहिए कि यार मैंने सही जगह अप्लाई किया है, मेरे को अपना रोल पता है, क्या मेरा प्रायर एक्सपीरियंस और मेरी जो ग्रेजुएट डिग्री है वो रेलेवेंट है कि नहीं है। तो मैंने जो मुझे ये जॉब, अच्छा मैं आपको बताऊँ कि मुझे जॉब्स ऑफर जो है वो लिंक्डइन पे कंटिन्यूस बेसिस पर आती रहती हैं। पाजी साइकिलिंग गुड यार। तो गाइस यहाँ पे बहुत सारे हमारे पंजाबी भाई हैं, तो सिख भाई हैं, सो आई अप्रिशिएट देम, दे हैव हेल्प मी अलॉट। बट बैक टू द टॉपिक, अगर हम आते हैं कि यार हाउ वाज माय टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस ऑफ अ जॉब मार्केट इन कैनेडा, वर्किंग कल्चर के ऊपर भी थोड़ी सी बात कर लेता हूँ कि वर्किंग कल्चर इज़ प्रिटी गुड, बहुत ज़्यादा अच्छा है, रिलैक्स हूँ, वर्क फ्रॉम होम है। और अगर मैं 40 इंटरव्यूज़ पे आता हूँ कि यार आपने 40 इंटरव्यूज़ कैसे क्रैक करे, तो आई वुड से, अच्छा देखो एक टेंटेटिव अमाउंट नहीं है, अराउंड 30-40 है, बट मैंने 40 नंबर ले लिया है, ज़्यादा आई वुड से मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे पास बहुत सारी ऐसी लिंक्डइन पे मैसेजेस पे भी जॉब ऑफर्स थी। अच्छा गाइज, तुम लोगों ने अगर लिंक्डइन पे भी अपनी प्रोफाइल नहीं बनाई तो वो बना लो, और अगर तुम लोगों को मुझसे बात करनी है तो इंस्टाग्राम पे मेरी आईडी यहाँ पे आ रही होगी, तो ये फॉलो कर लो। मेरी चैनल पे दूसरी वीडियोस हैं वो जाके एटलीस्ट देख लो। तुम लोगों को एटलीस्ट मुझसे जुड़े रहोगे तो काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं, अगर मुझसे इन डिस्कशन रहोगे, व्हाट यू कैन डू इज़ यू कैन टेक मी एज योर गाइड। यार तुम लोगों को इशू हो रहा है लाइफ में, कोई प्रॉब्लम्स हैं, आई वुड से कि लाइफ में मतलब अपने पर्सनल प्रॉब्लम्स नहीं, मतलब वो प्रॉब्लम जो आप लोग के कैरियर से या प्रोफेशनल लाइफ से एसोसिएटेड हैं कि यार कनाडा आना चाहिए या इफ़ कनाडा का बजट नहीं है तो और कहाँ जाना चाहिए, क्योंकि आई एम मेकिंग अ कोलैबोरेशंस विद अदर यूनिवर्सिटीज़ एज वेल अदर देन UCW। बट आई वुड स्ट्रॉन्गली रिकमेंड कि यार मैं एक कोशिश कर रहा हूँ कि मैं एक कम्युनिटी डेवलप करूँ जो मैं, जिनको मैं सपोर्ट कर सकूँ या जिनको मैं हेल्प कर सकूँ। मेरा काम है हेल्प करना। देखो यार, मुझे आप लोगों से कोई वो नहीं है कि मैं किसी को एक गलत हेल्प करूँ। मेरी कोशिश ये होती है कि मैं आपको राइट एडवाइस दूँ। मे बी होता है कि आप लोगों को बात गलत लग जाती है कि यार ऐसे जब इतने हार्श आपने रिप्लाई करा है, वो हार्श रिप्लाई इसलिए होता है क्योंकि वो आपके लिए, मेरे लिए, मैं समझता हूँ कि वो आपके लिए बेटर ही है एडवाइस। आप और भी कर सकते हो, आप मेरे अलावा और भी जो चीज़ें हैं उनको फॉलो कर सकते हो, बट I would strongly recommend you guys के cracking 40 interviews in Canada is not an easy task to do। और crack कर लिए, तुम लोग बोलोगे यार UCW reputation, keep aside UCW reputation, आप खुद तो अपने पर भरोसा करो ना, खुद तो अपने पर भरोसा करो कि यार मुझे ये चीज़ करनी है, मुझे अप्लाई करना है जॉब मार्केट के लिए अप्लाई करना है। और अच्छा एक और चीज़ आप लोग ये भी जहन में रखो कि ये ड्यूरिंग पैंडेमिक मुझे जॉब ऑफर्स आई हैं, तो आप सोचो कि अगर इकॉनमी अभी रिकवरी करती है, पैंडेमिक ओवर हो जाता है, चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, चीज़ें ओके हो जाती हैं, तो जस्ट लुक एट द वे के चीज़ें कितनी अच्छी हो जाएंगी। तो गाइज फिर वीडियोज़ का आज यहाँ तक रखते हैं कि डैट आई वॉज एबल टू क्रैक 40 इंटरव्यूज़ इन कैनेडा फॉर माई फुल टाइम जॉब एज एन MBA ग्रेजुएट फ्रॉम UCW। सो आई एम प्रीटी हैप्पी अबाउट इट। आई एम विद द जॉब राइट नाउ इन कैनेडा। आई एम प्रीटी हैप्पी। आई एम वेटिंग फॉर माई पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट। आप लोगों से, आप लोग अपने पेरेंट्स से, सबसे मेरे लिए थोड़ी सी दुआएं भी करवाएं कि भाई एवरीथिंग गोज़ वेल, सारी चीज़ें अच्छी जाएँ। और बाकी कनेक्ट मी थ्रू ऑन इंस्टाग्राम इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेरीज एंड एवरीथिंग। I won't say that, guys, if you are from India, if you are from Pakistan, if you are from anywhere in the world, I don't give a damn. I would support you. I would try to help you. If not on Instagram, I would try to help you through a live sessions I come on. I'm trying to figure out any software through which I can come on YouTube live. So you can, I see if there's if there are many people who watch, who want to see my videos in English. So there are videos in English as well. So I want you guys to connect me through on Instagram. And I usually come on weekends live. So that's my major task where I can take your questions as a live person. Other than that, what I can do is you can give me a direct message on Instagram as well. So I would try to connect with you guys and try to follow me, try to follow YouTube, subscribe my YouTube channel as well. So I would appreciate it. Try to comment on my videos as well. So I would appreciate that. And thank you so much for your guys' love and support. And take care. I'm enjoying the view guys for now. Sunset ho chuka hai bhai.